मित्रों नमस्कार। चंद्रा इंस्टीट्यूट के लाइव क्लास में मैं सीपी सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपने विशेष रूप से आरओ एआरओ जिनका अभी हाल में एग्ज़ाम रद्द हुआ है और 3 मई को प्रस्तावित किया गया है, उन बच्चों के लिए भी मैं कुछ विशेष क्वेश्चन लेकर आया हूं और उसी क्वेश्चन पर हम आज चर्चा करेंगे 10 क्वेश्चन। लेकिन ये मत सोचिएगा हमारे बीईओ या सुपर टेट वाले भी बच्चे ये ना सोचें कि केवल आरओ एआरओ में आएगा, अस्तर यही रहेगा लगभग। तो बीईओ वाले बच्चे भी इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। हम तो अपनी क्लासेस के अनुसार आरओ एआरओ लेकर आए हैं क्योंकि अलग अलग बच्चों के लिए हम अलग अलग प्लानिंग करते हैं, इसलिए आरओ एआरओ के बच्चों के लिए विशेष रूप से हम क्लास लाइव क्लास अपनी ले आए हैं। लेकिन बीईओ वाले भी इन क्वेश्चन को आप हल करिएगा, कोशिश करिएगा। यदि गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सही उसको करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जरूर क्वेश्चन आप आंसर उसका जरूर देंगे। नंबर क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, उसके आगे जो भी ऑप्शन आपको आ रहा होगा या आपके समझ से जो सही लग रहा होगा उसको आप ऑप्शन जरूर भरिएगा और हम सबको देखेंगे, गलती करेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, ये हमने एंशियंट से लिया है। अभी तक तो मॉडर्न के क्वेश्चन हम दे रहे थे लेकिन ये क्वेश्चन हमने एंशियंट से लिए हैं। थोड़ा थोड़ा हम बदल बदल के आपको टेस्ट देते रहेंगे, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न हमको ध्यान से पढ़ना है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 2 कथन दिए हुए हैं। पहला यह कथन है कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। दूसरा कथन कह रहा है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब इन्हीं दोनों कथनों के आधार पर जो कूट तैयार किया गया है उन्हीं में से हमको जो है अपना उत्तर चूज करना है। तो आप भी कोशिश करिएगा इसमें सही उत्तर क्या होगा यह देने के लिए कि केवल एक सही है, यानी केवल एक सही है, ये सही है कि केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है और चौथा ऑप्शन है न तो 1 और न ही 2 सही है। पहला कथन कह रहा है प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, यद्यपि इसमें धार्मिक तत्व तो उपस्थित थे पर वे वर्चस्वशाली नहीं थे। आपने देखा था कि शिव की मूर्तियां मिली थी, कई मृण मूर्तियां मिली थी, देवी की मूर्तियां मिली थी, देवताओं की मूर्तियां मिली थी। इसका मतलब है कि इसमें धार्मिक तत्व तो अवश्य उपस्थित था और यह एक लौकिक सभ्यता थी क्योंकि यह पूरा व्यापारिक सभ्यता थी, व्यापार पर आधारित था, इसलिए यह एक लौकिक सभ्यता थी। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। दूसरे कथन को हम चेक करेंगे। दूसरा कथन हमारा है उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। बिल्कुल मिलुहा से जो पता चलता है कि कपास का आयात जो है सिंधु घाटी की या सिंधु नगर से होता था, सिंधु के नगरों से होता था, तब इसका मतलब हुआ कि कपास के वहां हमें सूत के कपड़े भी मिले हैं, जो है हमें साक्ष्य के रूप में सूत के कपड़े मिले हैं, यानी कपास से कपड़े बनाए जाते हैं। तो कथन 1 और कथन 2 सही है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण है? 2 कथन फिर दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं और इन तीनों कथनों के आधार पर हमें कूट का चुनाव करना है। पहला कथन है कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल महल और मंदिर होते थे, इसको ध्यान देना है इस पर। दूसरा कथन कह रहा है वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा एक कथन कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आप भी उत्तर देने का प्रयास कीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तभी हम सही कर पाएंगे। पहला कथन उनके विशाल महल होते थे और मंदिर होते थे, विशाल महल और मंदिर होते थे तो मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता है, तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, तो बहुत सारे हमें देवी खासतौर से मातृ देवी की जो है पूजा करने का साक्ष्य मिलता है, तो देवी का प्रमाण और प्लस कई ऐसे एक योगी की मूर्ति मिली हुई है, आपने देखा होगा कि एक योगी की भी मूर्ति मिली हुई है, इसलिए दूसरा कथन कि देवी और देवताओं दोनों की पूजा करने का प्रमाण मिला है, तो दूसरा कथन बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन कह रहा है कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों के प्रयोग से प्रयोग करते थे। तो आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, तो ये तीसरा कथन भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि केवल कथन 2 सही है, यानी ऑप्शन बी केवल सही है।
ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन को लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पशुओं में से एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। टेराकोटा का मतलब मैं बता दूं कि टेराकोटा का मतलब होता है जो मिट्टी की मूर्तियां पकाकर तैयार कर दी जाती हैं, उसको हम टेराकोटा कहते हैं। तो यानी कि कौन सी ऐसी, इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गैंडा, ऑप्शन डी बाघ, इनमें से किसका टेराकोटा यानी मिट्टी की पकी हुई मूर्तियों का प्रमाण के रूप में नहीं प्राप्त हुआ है। तो इसका सही उत्तर देने का प्रयास करिएगा, हम भी दे रहे हैं आपको। सही उत्तर होगा इसका ए, गाय का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, यानी गाय की मिट्टी की मूर्ति वहां प्राप्त नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। एक ही बंदरगाह था, आप जानते होंगे, गुजरात में स्थित था, उसका नाम भी आपको पता हो गया होगा, और इसका उत्तर तो बहुत आसानी से दे देंगे। थोड़ा कठिन के बाद हमने सरलीकरण रखा ताकि आप क्वेश्चन आसानी से कर लें, थोड़ा आत्मविश्वास भी आए। ऐसा नहीं है कि एकदम कठिन क्वेश्चन रख करके आपको हतोत्साहित करना है, कुछ आपके पास मनोबल भी आपको बढ़ाना है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर है लोथल, गुजरात का स्थान है लोथल, जो कि एक नदी किनारे स्थित था। उस नदी का भी नाम अभी आएगा, इसलिए मैं अभी नहीं चर्चा करूंगा उसका। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व तो लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित था। इस नदी को भी हमको बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित था। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि लोथल एक बंदरगाह था तो ये समुद्र के किनारे स्थित था, बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोथल एक नदी के किनारे स्थित था, उसी नदी का नाम आपको बताना है। तो सही उत्तर दीजिएगा, ऑप्शन ए है नर्मदा, ऑप्शन बी है माही, ऑप्शन सी है भोगवा और ऑप्शन डी है भीमा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी के किनारे स्थित था। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त होता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जितने पूरा स्थल प्राप्त हुए हैं उनमें से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन ए आलमगीरपुर, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कालीबंगा और ऑप्शन डी लोथल। उत्तर देने का प्रयास करिएगा आप भी, गलती होगा तो कोई बात नहीं, फिर एक ही बार जीवन में गलती होगा वह क्वेश्चन, फिर जीवन में कभी गलत नहीं होगा, इसीलिए पेपर के पहले आप गलती कर लीजिए पेपर में, ताकि वह क्वेश्चन आए तो आप एकदम 100% उसको सही करें। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, इसका सही उत्तर है धौलावीरा से जल प्रबंधन, उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त होता है। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन हमारा, कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी, यानी जहां जहां किन किन नदियों के किनारे सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन सुनिएगा, ऑप्शन में ऑप्शन क्या है, चार नदियां दी हैं, इसके बाद आपको कूट बताना है, सिंधु, चिनाब, झेलम और गंगा, इनमें से किन किन नदियों किनारे सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये आपको बताना है। कूट में देखिएगा, कूट में ऑप्शन ए है एक और दो यानी सिंधु और झेलम, ऑप्शन बी एक दो तीन यानी सिंधु चिनाब और झेलम, ऑप्शन सी दो तीन चार यानी चिनाब झेलम और गंगा, ऑप्शन डी एक दो तीन और चार। इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा आप सब, हम चाहते हैं कि आप इसका उत्तर दें, जरूर इसको जानें, क्योंकि यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कई बार यह रिपीट एकाध दो बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर जरूर दें। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए मैं बता देता हूं आपको। एक चीज ध्यान में रखना है कि गंगा नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी सिंधु भी सही है, चिनाब भी सही है और झेलम भी सही है, यानी ऑप्शन एक दो और तीन सही है। इसमें ऑप्शन एक दो तीन में बी वाला ऑप्शन है, यानी बी ऑप्शन इसका सही है, सिंधु चिनाब और झेलम के तट के किनारे सैंधव सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर यहीं से था, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, आर्य इसके बाद आए थे, ठीक, सैंधव सभ्यता के बाद हमारा वैदिक सभ्यता शुरू होता है, वैदिक मूलतः आर्य थे, वैदिक सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों, क्योंकि
क्योंकि ऑप्शन सुनेगा, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसी में से आपको ऑप्शन में से उत्तर देना है कि सही उत्तर क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वैदिक सभ्यता यानी आर्यों की सभ्यता एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित थी, यानी ग्रामीण सभ्यता थी। तो पहला जो ऑप्शन होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि यह एक नगरीय सभ्यता थी। तो आठवां क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह एक नगरीय सभ्यता थी। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। आप बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, इसके बाद ऑप्शन सुनेगा। पहला ऑप्शन है ए बुर्जहोम, बी कुलडीहवा, सी चोपानी मांडो और डी मांडो। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कोशिश करिएगा, बहुत सारे बच्चे इसको जानते भी होंगे, नवपाषाण काल की ये बात है। और मैं बता भी देता हूँ, ये कश्मीर में एक स्थान है बुर्जहोम। बुर्जहोम से गर्ताकार आवास मिले हैं, यानी गड्ढे वाला आवास मिला हुआ है, और उसी आवास में मानव के शव प्राप्त हुए हैं कुत्ते के साथ, यानी कुत्ते के साथ मानव के दफनाए जाने का यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा बुर्जहोम। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बुर्जहोम। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, यानी मानव कंकाल सबसे पहले भारत में कहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको उत्तर देना है। ऑप्शन सुनिएगा, नीलगिरी की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से, नल्ला मल्ला की पहाड़ियों से और नर्मदा घाटी से। तो ध्यान में रखना है, आप इसका प्रश्न का उत्तर जानते होंगे तो उत्तर जरूर दीजिएगा, नहीं जानते होंगे तो मैं इस पर चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि यह प्रश्न बहुत संभावित है, इसलिए इस पर ध्यान देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत में सबसे पहला प्रमाण जो मानव साक्ष्य का मानव का मिलता है वो है नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में ही मानव साक्ष्य मानव का पहला साक्ष्य प्राप्त होता है भारत में। तो इस प्रश्न को हमको बहुत ध्यान रखना है, यह प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। तो मित्रों, ये 10 क्वेश्चन थे, हमने विशेष रूप से आरओ यारो के बच्चों के लिए रखा था, लेकिन हमारे बीईओ वाले बच्चे भी खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपका टाइम बहुत नज़दीक है, बहुत दूर नहीं है, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर हल करें और यह कोशिश करें कि देखें कि हम इत्मीनान से कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, हमको अभी कितना मेहनत करने की ज़रूरत है। यह प्रैक्टिस सेट हमारा हर रोज़ यदि आप प्रैक्टिस के रूप में करते रहेंगे तो आप एक अनुमान भी लगाएंगे कि हम 10 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अपना मूल्यांकन आप खुद करेंगे और मेरा मुझे उम्मीद है कि यदि आप मेरे वीडियोज़ देख रहे होंगे तो हमें लगता है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे इनमें से, और उम्मीद है कि आप जो है वीडियोज़ देख रहे होंगे। यदि आपको आपके ऑनलाइन से संबंधित कोई समस्या है, प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक दो नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर फ़ोन करके अपनी समस्या का समाधान कर लीजिएगा। जैसे कई बच्चे बता रहे थे कि कुछ समस्या आती है ऑनलाइन में, तो मैं दो नंबर का जिक्र करूंगा, वो नंबर आप नोट करिएगा 8400333260 पहला नंबर है। दूसरा नंबर है, मैं लिख भी दे रहा हूँ, 8400333260। इस नंबर को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी समस्या आपको यदि ऑनलाइन से संबंधित आती है तो इस पर फोन करिएगा, या एक नंबर और दे देता हूं, 8400333264। ये दो नंबर मैं आपको दे देता हूं, किसी भी प्रकार की ऑनलाइन से संबंधित कोई समस्या आती है तो इस पर आपका समाधान हो जाएगा। थैंक यू।